एक महिला ने कबाड़ी को सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी नन्हे कबाड़ी को आज दोपहर घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसने बताया कि वह कबाड़ा इकट्ठा करके उसको बेचता है और गुजारा चलाता है। आज दोपहर सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर के पास कबाड़ा इकट्ठा करने के लिए आया था। इसी दौरान महिला उसको मिली और उसकी जेब में रखे रुपये छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने महिला को रुपए देने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साई महिला ने उसके सिर पर ईंट मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं ईंट मारने वाली महिला मौका देखकर फरार हो गई। नन्हे ने बताया कि वह महिला उससे पहले भी कई बार रुपए छीन चुकी है। ग्रामीण की संदिग्ध मौत, हत्या का लगाया आरोप। जमीनी विवाद के बाद एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके घर वालों ने गाँव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव मिलक जैतपुर निवासी 65 वर्षीय मान सिंह की कल शाम को गांव के ही पास नाली में गिरने के बाद मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के घरवालों ने कहा कि गांव के ही रहने वाले लीलाधर, उसके भाई सत्यवान और तेजपाल पर मान सिंह को पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया और बताया कि मान सिंह ने कुछ दिन पहले तेजपाल से उसके खेत में थोड़ी जमीन खरीदी थी और वादा किया था वह इस जमीन से तेजपाल को रास्ता देगा, लेकिन रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसकी शिकायत तेजपाल ने पुलिस से कर दी। कल शाम को पुलिस के आने से पहले ही मान सिंह गाँव के पास सड़क किनारे खड़ा था और उसी के दौरान नाली में गिर पड़ा और घटना की सूचना मिलते ही उसके घरवाले मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाने लगे, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने लीलाधर, सत्यभान और तेजपाल पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मृतक 6 बच्चों का पिता है। उसकी पत्नी का नाम सोमवती है। कहाँ रहते हैं? थाना ये मृतक कौन थे आपके? हमारे पिताजी थे। क्या नाम था इनका? मान सिंह। क्या हुआ इन्हें, कैसे मौत हुई? सर ये विकास में पिछला हुआ था रास्ते के। फिर क्या हुआ था? फिर ये सर इन लोगों ने धमकी दी थी हमारे पिताजी के लिए। अच्छा, कि अगर इधर से जाओगे तो जान से मार देंगे। ठीक है। ऐसे 2-3 दिन पहले हुआ था ना, ऐसे आप थोड़ा बहुत हो गया था, तो इनने हमारे पिताजी कल गए निकल के, तो इनने हमारे पिताजी के लिए पता नहीं क्या कर दिया, लाठ है डंडा सब कुछ थे इसमें मौजूद। अच्छा। हाँ, मारा पीटा गया। हाँ, पता नहीं सीना में इन्होंने क्या मार दिया हमारे पिताजी, तभी थौर खत्म हो गया। कहाँ मिले थे ये? वहीं उनकी जगह में पड़े हुए थे। जगह में पड़े हुए। हाँ, फिर हम लेके तुरंत ही हॉस्पिटल में भागे थे। वहाँ पहुँचे, डॉक्टर बोले इनके अंदर कुछ नहीं रहा। क्या नाम है उनके? नन्हे, लीलाधर, तेजपाल, विष्णु। कहाँ रहते हैं? सत्यवान, जैतपुर। हमारे घर के पास में ही घर है इनका, सामने ही घर है। तो पुलिस ने कोई नाम दर्ज? पुलिस ने भी सर, पुलिस बोल दी तो हमारे पापा से सारे जेल काट, ऐसे जेल के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएगा। मतलब अभी किसी को मतलब कोई रिपोर्ट नहीं दी? अभी सर कोई रिपोर्ट नहीं दी है हमारे लिए। पेड़ से लटका मिला युवक का सड़ा गला कंकाल। पत्नी से हुए झगड़े के बाद घर से बाहर निकले एक युवक का कंकाल लगभग 25 दिन बाद गांव के ही पास एक पेड़ पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव रिछोला भूडा गोटिया निवासी राजेश्वर के 23 वर्षीय बेटे राजकुमार का कंकाल आज सुबह गांव से ही कुछ दूरी पर जंगल में लगे एक पेड़ से बंधी प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फांसी पर लटका मिला। उसके कपड़े भी पेड़ के पास भी पाए गए। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के पिता राजेश्वर ने बताया कि राजकुमार का लगभग 25 दिन पूर्व अपनी पत्नी हंसवती से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तब राजकुमार बिना बताए शाम के समय घर से बाहर चला गया और वापस नहीं लौटा। घर के लोगों ने उसके लौटने का इंतजार किया और फिर उसे तलाशने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक उसका पता नहीं चल सका। घटना की शिकायत पुलिस से करते हुए गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई और तलाशने की कोशिश जारी रही। इधर आज सुबह खेत पर काम करने जा रहे गांव के लोगों ने राजकुमार के सड़े गले कंकाल को पेड़ से लटके देखा और घटना की जानकारी गाँव वालों को देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर इसी दौरान राजकुमार के पिता राजेश्वर भी मौके पर पहुंच गए। उसने पेड़ के पास मिले राजकुमार के कपड़ों को देखकर शव की शिनाख्त कर ली और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। आज दूरदर्शन केंद्र के सामने स्थित शांति कुंज पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन के बच्चों के लिए राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और आम की लोकप्रियता को देखते हुए भारत में प्रत्येक 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। आम दिवस मनाने का उद्देश्य आम की संस्कृति, स्वाद और पोषण के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करना है। आम को शुरुआती समय में जेड, महंगा या फिर आम कहा जाता था,
और शिक्षकों द्वारा बच्चों को बताया गया कि सबसे पहले आम की फसल 5000 साल पहले की गई थी। संपूर्ण गतिविधि में सभी नन्हे मुन्ने एवं उनकी शिक्षिकाओं ने कई रोचक गतिविधियों को सकारात्मक रूप से संपन्न किया। राष्ट्रीय मैंगो डे के अवसर पर बच्चों को कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें बच्चों ने खूब उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य राधिका चंद्र ने बच्चों को इसका महत्व समझाकर कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान शिवानी यादव, मनोरमा, निधि शर्मा, राधिका, पूजा केसरवानी, भावना, सुमिता, ज्योति बिष्ट, पिंकी साहू, रेणु यादव एवं विशाखा शर्मा आदि उपस्थित रहे। बाईस को पुलिस अधीक्षक नगर बरेली द्वारा प्रभारी निरीक्षक बारादरी पुलिस बल व आरएएफ के साथ थाना बारादरी क्षेत्रांतर्गत फुट पेट्रोलिंग की गई और फुट पेट्रोलिंग के दौरान आम जनता व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा की भावना को जागृत किया गया। कांवड़ियों से भी वार्ता की गई एवं उनको कांवड़ यात्रा हेतु हेल्पलाइन नंबर 7983560365 की जानकारी दी गई। यदि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई समस्या हो तो उक्त नंबर पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं।